वेलकम टू अमिक रिजल्ट का, मेरा नाम है अमृत। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपके साथ में अमेजिंग टिप शेयर करने वाली हूँ जो आपकी बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है। मेरे चैनल पे आपको ऐसे इंटरेस्टिंग टिप्स मिलते रहते हैं दोस्तों, वो भी रोज। इसीलिए अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी कर लीजिए और बेल आइकन के साथ, ताकि सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मेरी आपको सबसे पहले मिल जाएंगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज मैं आपके साथ हाथ पैरों को गोरा करने का, गर्दन को गोरा करने का एक बहुत ही जबरदस्त तरीका आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करके ज़रूर देखिए, आपको ये नुस्खा बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। चलिए देख लेते हैं इस नुस्खे को बनाने के लिए किन इंग्रेडिएंट्स की हमें ज़रूरत लगने वाली है। तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो मैंने यहाँ पे लिया है वो है कोलगेट। टूथपेस्ट को तो वैसे हम दांतों की क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपको ये शायद पता नहीं होगा कि टूथपेस्ट जो है बहुत ही बढ़िया ब्यूटी प्रोडक्ट भी होता है। हमारे स्किन के कालेपन को दूर करके हमारे स्किन को खूबसूरत बनाता है। आपने कई बार ऐसे नोटिस किया होगा कि हमारी जो स्किन होती है कई कई जगह की, जैसे कि एल्बो की या फिर घुटनों की या फिर गले की जो स्किन होती है ना, वो बाकी के स्किन टोन से हमारी अलग होती है। और साथ ही हमारे अंडर आर्म्स में भी धीरे धीरे जो है इन जगहों पर कालापन आने लगता है। तो ऐसा हमें क्या करना चाहिए कि जो हमारी स्किन है, जैसे घुटनों की स्किन है, एल्बो की स्किन है, हमारे गर्दन की स्किन है, और ये सारी स्किन जो है धीरे धीरे हमारी स्किन टोन से मैच करने लगे, यानी कि जो कालापन है वो निकल जाए। तो हमें इस रेमेडी में जेल वाला टूथपेस्ट इस्तेमाल नहीं करना है, कोई भी सफ़ेद कलर का टूथपेस्ट इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले मैं अपने हाथों पर लगा के बता रही हूँ, उसके बाद अपने गले पे भी लगा के बताऊँगी, ताकि आपको क्लियरली अंदाज़ा होगा कि कहाँ पे किस तरीके से अप्लाई किया जाता है इसे। तो कोई भी सफ़ेद कलर का टूथपेस्ट आप ले लें, किसी भी कंपनी का। और टूथपेस्ट के साथ साथ एक कटोरी में मैंने यहाँ पे पानी ले लिया है, ताकि बीच बीच में हम जो है ब्रश इसमें डिप करते रहेंगे और गीला करते रहेंगे। तो यहाँ पे जितना हम एक बार में ब्रश में लेते हैं केवल उतना ही टूथपेस्ट लेना है, ज़्यादा आपको टूथपेस्ट नहीं लगेगा। इस रेमेडी में आपको बिल्कुल भी कुछ भी खर्च नहीं लगने वाला दोस्तों। वैसे तो हम इन सभी चीज़ों के लिए महंगे महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, परंतु ये जो रेमेडी है बिल्कुल आपके घर में ही अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स के साथ मैं आपको बता रही हूँ, बहुत ही सिंपल सी रेमेडी है। बीच बीच में टूथब्रश में मैं पानी लगा रही हूँ और सर्कुलर मोशन में हल्के हल्के हाथों से मसाज करते हुए आपको लगाना है। और एक चीज़ का आप ध्यान रखें, जो भी टूथब्रश आप ले वो जो है आपको सॉफ्ट टूथब्रश लेना है, ज़्यादा हार्ड या मीडियम टूथब्रश ना ले। ध्यान ये रखें कि आप सॉफ्ट टूथब्रश लें। कम से कम 2 मिनट के लिए इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन में मसाज करते रहें। इस रेमेडी के इस्तेमाल से आप देखेंगे कि जहाँ पर भी आपकी स्किन टैन हो रही होगी, आपकी स्किन डार्क हो रही होगी, वो बिल्कुल चमकने लगेगी। बात करते हैं हम गर्दन की, तो हमारी गर्दन भी कभी कभार क्या होती है कि आपने नोटिस किया होगा कि हमारी गर्दन की जो स्किन है वो थोड़ी थोड़ी डार्क होने लगती है हमारे चेहरे के स्किन टोन के मुकाबले। तो उसके लिए आप क्या करें कि पहले तो पानी से गर्दन को अच्छे से गीला कर लें। गीली गर्दन पे आप कोलगेट को लगाएं, केवल कोलगेट ही लगाना है, कोई भी चीज़ आपको इसमें मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही सिंपल सी रेमेडी है, कोई भी इस रेमेडी को कर सकता है। और सर्कुलर मोशन में आप मसाज करते हुए, हल्के हल्के हाथों से मसाज करते हुए इस कोलगेट को अपने गर्दन पर लगाएं। आप इस तरीके से इस रेमेडी को अपने कोहनी पर लगा सकते हैं, घुटनों पर लगा सकते हैं, जहाँ पर भी आपको लगे कि आपकी स्किन डार्क हो रही है वहाँ वहाँ पर इस रेमेडी को आप लगा सकते हैं। जैसे जैसे आप इसको इस्तेमाल करेंगे वैसे आप देखेंगे कि जो आपकी स्किन है धीरे धीरे चमकने लगेगी। आप खुद ब खुद महसूस करेंगे कि अरे वाह, हमारी जो गर्दन है वो अभी चमकने लगी है। ये सारी जो जगह होती है ना, गर्दन होती है, हमारे एल्बो होते हैं, ये सारी चीज़ों पे हम ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं, इसकी वजह से यहाँ की स्किन बहुत डार्क होने लगती है। 2 मिनट मसाज करने के बाद 10 मिनट इसे ऐसे ही अपने गले पे रहने दें और उसके बाद आप वॉश कर लें। तो हमें अपने स्किन का प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। हमें चाहे एल्बो हो, चाहे घुटना हो, चाहे गर्दन हो, हर हिस्से को हमें अच्छे से क्लीन करना चाहिए ही चाहिए। तो अगर हमारे बॉडी पार्ट में से कुछ भी हिस्सा काला हो, काले काले हो रहे हो, तो दिखने में अच्छा नहीं लगता और साथ ही हमारा कॉन्फिडेंस भी लो होता है। तो इस रेमेडी की मदद से आप अपनी स्किन को गोरा बना सकते हैं। जो भी काली हो रही हो स्किन हो, उसे आप गोरा बना सकते हैं, चमकदार बना सकते हैं। तो इस रेमेडी को आप ज़रूर ट्राई करें दोस्तों। बिना खर्च के आप इस रेमेडी को घर पे ही कर सकते हैं। आप इसे अपने पैरों के पंजों पर भी लगा सकते हैं। एक बार लगा के तो देखिए दोस्तों, आपको ये रेमेडी बहुत पसंद आने वाली है। एक बार इसे आप लगा के देखिए और साथ ही सर्कुलर मोशन में कम से कम 2 मिनट के लिए मसाज ज़रूर करें। ये जो नकल्स होते हैं ना उंगलियों में, वहाँ पर भी कालापन होने लगता है, तो उसे भी आप
अच्छी तरीके से क्लीन करें। आप इसे जरूर लगाएं, आप देखेंगे कि आपकी स्किन में एकदम चमक आ जाएगी। जब मेरे पास भी समय की कमी रहती है दोस्तों, तो मैं भी कभी कभार इस नुस्खे को आजमा लेती हूँ, और ये बिल्कुल आजमाया हुआ नुस्खा है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नुस्खा है, 100% रिजल्ट आपको इसका मिलेगा। अब मसाज करके तो हो चुका है 2 मिनट के लिए, उसके बाद कम से कम 10 मिनट के लिए इसे ऐसे ही आप छोड़ दें, और 10 मिनट बाद मैं आपको उसका रिजल्ट बताती हूँ धो के दोस्तों, तो आपको खुद ही अंतर महसूस होने लगेगा। ये देखिए दोस्तों, हाथ को वॉश करने के बाद एकदम बिल्कुल रिजल्ट आपके सामने है। ये देखिए दोस्तों, दोनों ही हाथ में मैं कंपेयर करके आपको बता रही हूँ कि कैसे हमने इसे अप्लाई किया था और क्या रिजल्ट हमें इसका मिला है। तो रिजल्ट आपके बिल्कुल सामने है, बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है दोस्तों, बिल्कुल समय नहीं लगता है और कोई ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की आपको ज़रूरत नहीं लगती है इसमें। ये देखिए दोस्तों, गले पे भी जो हमने लगाया था, कितना इफेक्टिव रिजल्ट आपको दिख रहा है, और बिल्कुल जो स्किन टोन है और जो गले की स्किन टोन है और फेस की है, बिल्कुल सिमिलर आपको नज़र आ रही होगी, क्योंकि मैं अपने गले का उतना ही ध्यान रखती हूँ जितना मैं अपने फेस का रखती हूँ। हमेशा हर वीडियो में आपको बोलती हूँ, जो भी चीज़ आप अपने फेस पर लगाएं उसे गले पर भी लगाएं, और उसके बाद थोड़ा सा जो है एलोवेरा जेल आप लगा लें, तो जो ओपन पोर्स हो गए होंगे वो क्लोज हो जाएंगे। एलोवेरा जेल आप लगा लें या कोई भी मॉइस्चराइजिंग लोशन आप लगा लें, और हल्के हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन में मसाज कर लें। इससे आपकी गर्दन खूबसूरत हो जाएगी, आपके हाथ खूबसूरत हो जाएंगे, आपके पैर हो जाएंगे, आपके जो कोहनी है वो भी खूबसूरत हो जाएगी। आप इस रेमेडी को ट्राई ज़रूर करें दोस्तों, साथ ही मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको मेरी ये रेमेडी कैसी लगी। दोनों ही हाथों में आप देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा फ़र्क महसूस लग रहा होगा आपको, कि इंस्टेंट कोरापन हमारे हाथ में आ गया जहाँ पर हमने अप्लाई किया था। ये देखिए, जो नकल्स होते हैं वो भी काफ़ी लाइट हो चुके हैं। तो हाथों पर भी मैं एलोवेरा जेल को अप्लाई कर देती हूँ, इससे होगा क्या, जो ओपन पोर्स होंगे वो क्लोज हो जाएंगे, और साथ ही हाथ जो है बहुत ही खूबसूरत लगेंगे और हाथ जो है सॉफ्ट हो जाएंगे। आप देखेंगे एक बहुत ही गजब की चमक आएगी जहाँ पर भी इस रेमेडी को आप अप्लाई करते हैं। एलोवेरा जेल की जगह पे आप कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम या लोशन लगा सकते हैं, इतनी गजब की रेमेडी है दोस्तों, आप खुद इसके रिजल्ट्स देख के हैरान हो जाएंगे, और डेफिनेटली आप इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, क्योंकि आपको इतना ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा तो आप तो डेफिनेटली शेयर करेंगे ही करेंगे, ताकि आपके ज़रिए उनकी भी मदद हो जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही होगी, साथ ही आप लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग रेमेडीज मैं आपके लिए लाती रहती हूँ। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो के नीचे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करेंगे तो सारी नोटिफिकेशन मेरी वीडियो की आपको सबसे पहले मिल जाएंगी। एक और चीज आपके साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ दोस्तों, जो भी मॉडर्न होम अप्लायंसेस के रिव्यू मेरे चैनल पे आपके साथ में मैं शेयर करती हूँ, रिव्यू करती हूँ, उनके बेस्ट बाइंग लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, ताकि आपको ज्यादा ढूंढना ना पड़े। और ऐसे मॉडर्न होम अप्लायंसेस का रिव्यू करती हूँ मैं जो आपकी लाइफ को एकदम आसान बना देता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।